आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी शाकिब अल की बीजेपी नेता प्रभात झा के साथ छपी फोटो पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को जहां अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी करार दिया है, वहीं बीजेपी के अपने तर्क हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष प्रभात झा और शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी शाकिब अल की इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। तस्वीर में शाकिब और प्रभात झा एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को बेहद करीब से जानते हो। मौके की किताब में बैठी कांग्रेस के लिए तस्वीर ही काफी थी। इससे साफ उजागर होता है कि पूरा संरक्षण ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी का है और इसीलिए घटते हुए कानून व्यवस्था की तस्वीर है। दरअसल शाकिब के बीजेपी नेता आलोक वर्मा से भी करीबी संबंध और वो बीजेपी के कार्यक्रमों में भी शामिल होता रहा है। शाकिब पर कुल 25 मामले दर्ज। नवंबर 2011 में एडीएम ने उसे एक साल के लिए सिला बदर किया था, लेकिन इस दौरान वो भोपाल में ही मौजूद था। कई कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने उसे चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया, लेकिन सिला बदर का आदेश वापस नहीं लिया गया। ऐसे में प्रभात झा और बीजेपी पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है, लेकिन प्रभात झा के अपने ही तर्क। हम जनता के कार्यकर्ता हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे कोई भी माला पहना सकता है, कोई भी हिस्ट्री सीटर गले में टांग के चलता नहीं, वो हिस्ट्री सीटर है। हमारे इंटेंशन पर कोई डाउट करेगा, एक मिनट नहीं लगेगा कोई देखे। अगर वो अखबार भी लिखता ना कुछ तो मैं तो उस पर मुकदमा करता। उसने लिखा ठीक साथ में है, अभी माला पहनाना हम कौन जान रहे उसको। उधर आरोपी शाकिब का कहना है कि वो जो भी कहेगा सिर्फ कोर्ट के सामने ही कहेगा। मैं कहेंगे जो भी कहना है कोर्ट में कहेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, सब जो भी है कोर्ट में कहेंगे, सारी बातें कोर्ट में करेंगे। शाकिब पर कानपुर से भाड़े के शूटरों का इंतजाम करने का संगीन आरोप और ऐसे संगीन अपराधी के साथ प्रभात झा की फोटो पर सियासत तो लाजमी है। इस समय भोपाल से वीरेन शर्मा।